एक बार फिर से मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिले, नौकरी पर खतरा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिले नियोजन फोल्डर। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षक यदि कागजात नहीं देते हैं तो इनकी सेवा समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। वर्ष 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर उठाए गए सवालों की जांच कर रहा है निगरानी विभाग। 6 माह होने के बावजूद भी इन सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मैंने नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। समय सीमा समाप्त होने के करीब 6 माह बाद भी राज्य के 1 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों के फोल्डर निगरानी विभाग को उपलब्ध नहीं हो सका है। इस कारण से इनके प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। निगरानी जांच की पूरी प्रक्रिया बाधित है। ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर लटका है तलवार, उनको बर्खास्त भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने राज्य भर के नियोजन इकाइयों में 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र पर उठाए गए सवालों की जांच कर रहा है। आरोप है कि बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल की गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई। करीब 2.5 घंटे चली इस मैराथन बैठक में शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को निगरानी जांच का मामला भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शिक्षक अगर कागजात उपलब्ध नहीं कराते हैं तो न्यायालय के संज्ञान में देकर इनकी सेवा समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। श्री चौधरी ने स्वीकार की उच्च न्यायालय के निर्देश पर निगरानी विभाग के नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है, उसमें अब भी करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिला है। इससे जाँच की पूरी प्रक्रिया बाधित हो रही है। राज्य में शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के लागू हुई और नई नियमावली के तहत ही शिक्षकों का नियोजन होने लगा। 2014 में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया और इसको लेकर कई मामले पटना उच्च न्यायालय में भी दर्ज हुए। 2015 में न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 2006 से 2015 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों की डिग्रियों की जांच निगरानी से कराएं। 5 साल से जांच की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत करीब 3.25 लाख शिक्षकों को शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार उस मेगा सूची की जांच की जानी है जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।